रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे नंबर 48 पर आज प्रातः राजस्थान के एक बस हाईवे पर नहर किनारे पलट गई। हादसे में कई सवारियों को चोटें आई हैं। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। गनीमत रही कि बस नहर में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कसोला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि बस की कमानी टूटने के कारण ये घटना हुई है। हादसे की असली वजह सामने नहीं आई है। राजस्थान की एक बस देश की राजधानी दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। बस में 40 से ज्यादा सवारी थी। बस जैसे ही दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी की सीमा में पड़ने वाले कसोला थाना एरिया के बाबा भारती ढाबा आसलवास नहर के पास पहुंची, तो अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से बस हाईवे के पास से गुजर रही नहर में चली गई। हालांकि गनीमत यह रही कि बस नहर के अंदर पानी में पूरी तरह से नीचे नहीं उतरी। इससे पहले ही ड्राइवर ने स्थिति को संभाल लिया। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और न ही कोई मौत की सूचना है। कसोला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी हादसे की असली वजह पता नहीं चल पाई है। बस के ड्राइवर के बयान दर्ज होने के बाद हादसे की सच्चाई का पता चल पाएगा। हम जा रहा था दर्शन करने के लिए, हाँ जी। बस जो है आई में लपेट दिया यहाँ। असलवास नहर है, उनकी कृपा है, किनकी कृपा भगवान जाने। हम तो जा रहे थे और 1.5 घंटे बाद हम जब गिर गए, 1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन आई है, 1.5 घंटे बाद, और हम खुद अपने बल पे निकले हैं ऊपर तक, कोई नहीं आया। उसके बाद सारे के सारे आए, आसपास के लोग आए थे वीडियो कैमरा लेके अपने शूटिंग करने के लिए। आसपास के लोग अपने वीडियो कैमरा लेके आए थे शूटिंग करने के लिए, देख रहे भाई एक्सीडेंट हो गया, ये फला वीडियो बना ले, ये बना ले, यूट्यूब बना ले, ये गलत है। चलो बस ठीक है।